जय गो माता। किसान मित्रों, आज हम गुजरात के वडोदरा जिले में तहसील देसर गांव शारदापुर के प्रगतिशील किसान सुनील भाई पटेल के वहां पे फार्म में आए हैं। उन्होंने गोकृपा अमृतम का अच्छा प्रयोग किया है। आइए उनसे जानते हैं उन्हें उनसे क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए। हाँ सुनील भाई, आप बताइए, आपने गोकृपा अमृतम का प्रयोग किया, आपको क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए? पहले की फसल और आज में क्या अंतर लग रहा है बताइए आप। पहले हम यूरिया DAP पेस्टिसाइड से खेती करते थे। जब से 3 महीने से हमने गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया का पपीता में यूज़ किया है, तभी से कोई रोग नहीं है। जो वायरस था वो पूरा निकल के छतरी बन गया है, पूरा ग्रीन, उसका प्लास्टर, उसका फ्रूट, वो सब देख सकते हैं आप। कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। हफ्ते में एक बार हम कल्चर का यूज़ करते हैं और एक बार हमने ज़मीन में 1000 लीटर एकड़ पे छूटा ड्रिप से दिया है। बहुत सुंदर, आपने ड्रिप के माध्यम से प्रति एकड़ 1000 लीटर के माप से दिया, तो आप ज़मीन में क्या अंतर महसूस करते हैं? ज़मीन हरभरी बन गई है, उसमें अड़सिया दिखाई दे रहा है, पानी का शोषण हो रहा है। बहुत बड़ी बात आपने बताई, प्रति एकड़ 1000 लीटर उन्होंने दिया है, इसके कारण ज़मीन भरभरी हो चुकी है। वहाँ पे गुजराती में अड़सिया बोलते हैं, हिंदी में अर्थवाम, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको केचुआ बोलते हैं, आज वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे हो गए। यानी कि ज़मीन भरभरी होने के कारण जो बरसात का पानी आता है वो सीधा ज़मीन में उतरता है। इस बार बारिश भी हुई अच्छी, फिर भी पानी यहाँ कहीं दिखता नहीं है, सारा पानी ज़मीन में उतर, यानी कि ज़मीन के अंदर पानी अंदर स्टोर हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये चेकडैम की जो बातें करते हैं, अपनी सारा खेती चेकडैम हो जाता है, बहुत सुंदर बात। हाँ, तो आपको पपीते में पहले वायरस आया था, वायरस से आसपास आपने बताया कि काफ़ी वाड़ियाँ ख़त्म हो गई, सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए, आपने इसका प्रति सप्ताह में स्प्रे किया, पानी के साथ दिया, तो आपको वायरस के निकलने में उसके बाद में क्या अंतर लग रहा है? पहले तो मेरे को 3 महीने पहले बाड़ी में आने का ही मन नहीं हो रहा था, पौधा देख के इधर मन ही नहीं लग रहा था कि इधर पौधे देखने जाऊँ, उसकी ट्रीटमेंट करूँ। उसके बाद में मेरे मित्र धर्मेश भाई डभोई तालुका के जो खेडूत गौकृपा अमृतम बनाया था उसके पास से लेके आया जी। बाद में बनाया इधर, मैंने अभी 15000 लीटर का टंका बनाया सीमेंट का, और इसके लिए ही बनाया कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट है तो हम लोग पूरा खेती में उसका प्रयोग करेंगे। और सभी खेडूत भाइयों को हम विनंती करते हैं कि फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की जगह पर गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया का प्रयोग करें, आधा एकड़ करें, आधा बीघा करें। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है किसान मित्रों को, थोड़े में भले प्रयोग कीजिए, आपको विश्वास लगे तो आगे प्रयोग करना। आपने पहले पपीते में प्रयोग किया, उनको अच्छा लगा, तो 15000 लीटर का टंका पूरा बना दिया है। टंकी बनाने के बाद आप आगे 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 से प्रयोग करते जा रहे हैं। अच्छा, आप बताएंगे और कौन सी फसल में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं आप? हमने वैसे तो मैंगो में लिया है। अच्छा, गौवा में लिया है जी, गौवा के बीच में नहीं, गौवा जामफल ओके, जामफल में लिया है, अभी शुरुआत है उसमें, और उसके बीच में हमने अदरक बुई है जी। बहुत सुंदर, अदरक का वावेतर किया है, तो उसके अंदर हमने वो पूरा 1 एकड़ से 1000 लीटर से शुरुआत किया है। बहुत सुंदर, तो उसमें क्या आपको अंतर लग रहा है और किसानों की? अभी आने वाले समय में वो अंतर दिखाई देगा, अभी तो शुरुआत है, तो उसमें दिया है, उसमें जो कैचुआ की खाद है, कैचुआ है, वो सब बढ़ने लगा है। बहुत सुंदर, तो वहाँ पर भी केचुआ दिखने लगा है। आपने आम के अंदर प्रयोग किया है, आपने हल्दी में प्रयोग किया और बाकी फसलों में प्रयोग कर रहे हैं, उनको पहले पपीते में परिणाम मिला तो उनको विश्वास बढ़ गया और आगे आप अलग जगह प्रयोग कर रहे हैं, तो और आप किसान मित्रों के क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोग को ये यूज़ करना चाहिए, प्रयोग आधा आधा एकड़ से लेकर शुरुआत करें, पूरा खेती, इससे पूरा फर्टिलाइज़र का पेस्टिसाइड का खर्चा कम हो जाए, नहीं खर्चा हो जाएगा इससे। अच्छा, आपके पास कितना गोवंश है? गोवंश एक ही है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, हम बढ़ाएंगे। आपको यदि ये इससे फ़ायदा हो रहा है, जैसे आपका UADP का खर्चा कम हो गया, आपकी लागत भी कम आ रही है, फसल भी बच गई, आपके आपने बताया कि पहले खेत में पैसे रखने का मन नहीं करता था, क्योंकि किसान जी इतने मेहनत पसीने से सब तैयार किया और ख़त्म होता है तो देखने को जी नहीं करता, तो आपको वापस से बाड़ी हरी भरी हो गई है, तो आपको अच्छा लाभ हो रहा है, तो आप गौ माता के लिए आप क्या करेंगे, कितना गोवंश घर पे लाएंगे, ऐसे कुछ भाव आ रहा है मन में? अभी भाव तो है, अभी लेबर लोग का कुछ बंदोबस्त हो जाए तो हम लोग आगे सोचेंगे क्या बढ़ाना है। अच्छा, अच्छी औलाद लेनी है, अच्छी देसी गौवंश में। अच्छा, देसी गौवंश रखेंगे आप। बहुत सुंदर। सुन, आपने कंपोस्ट खाद बनाया था?
कंपोस्ट खाद हमने बनाया नहीं है, लेकिन हम का गाय का गोबर घर पे लेके ही हम गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया जो गोपाल भाई ने बताया रीत उससे बना के हम खेत में देने वाले हैं। बहुत सुंदर। तो किसान मित्र आप भी इस तरह प्रयोग कीजिएगा, पहले प्रति एकड़ 1000 लीटर पानी के साथ छोड़ना है, दूसरी बात है इसको प्रति वीक 13 लीटर पानी 2 लीटर ये कल्चर गौ कृपा अमृतम डालकर इसको स्प्रे करना है, तीसरा गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया से कंपोस्ट खाद बनाना है देसी गाय के गोबर के अंदर। पूरी विधि हमारे काफ़ी वीडियो में बताई गई है, इस तरह आप पूरा प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी, पहली सीजन से ही आपको फायदा होगा। गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का 15000 लीटर का टंका है, इसमें से हम लोग ने 2 वाल रख दिए हैं, इधर छोटा जो ड्रम में आता है इधर से, और ड्रम में से पेंचुरी से उठा के खेत में सीधा चला जाता है। मैन्युअली कामकाज नहीं रहने से वो समय बच जाता है अपना। ये पूरा तरीका अपनाइए, ऐसी हमारे आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय गो माता।